गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं सुनील का और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की पॉइंट्स फॉर क्लियरिंग इंटरव्यू इंटरव्यू में आपको सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए या किस तरह आपको जवाब देने चाहिए मीन्स हाउ टू आंसर इन एन इंटरव्यू इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है यार सच बोलूँ या झूठ बोलू झूठ बोलने से नौकरी मिलेगी या सच बोलने से मिलेगी सच बोल दिया तो कहीं इंटरव्यू से यहीं से बाहर ना हो जाऊं तो पहली बार झूठ ही बोल लेता हूं तो डिस्कस करते हैं बेटा इंटरव्यू में सच बोलूं या झूठ 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 ऑलवेज ट्राई टू स्पीक ड्यूरिंग एन इंटरव्यू हमेशा सच बोलिए बेटा एक को छुपाने के लिए बोलने बोलने पड़ते हैं इतने बोलने पड़ जाएंगे कि सरवाइव कर ही नहीं पाओगे फॉर सम पॉइंट यू कैन गिव डिप्लोमेटिक आंसर देखिए झूठ मत बोलिए लेकिन उसकी जगह हम डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं जैसे कई बार इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ लेता है कि भाई अगर आपको दूसरे स्टेट में भेजा जाए तो आप चले जाएंगे क्या हमारे दूसरे प्लांट में भी आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो आपको अगर ओवर टाइम करने के लिए बोला जाए तो आप काम करेंगे आपको लगातार दो दिन काम करने के लिए इमरजेंसी में कहा जाए तो आप करेंगे आपको पता है आपकी फैमिली सिचुएशन आपको प्रेजेंटली अलाउ नहीं करती किसी दूसरे स्टेट में काम करने के लिए तो आप उस कंडीशन में ना नहीं कहेंगे आप कहेंगे सर इन डिफिकल्ट सिचुएशन और इनकेस ऑफ एमरजेंसी आई कैन गो एनी आई कैन वर्क ओवर टाइम आई कैन वर्क फॉर टू डेज नो प्रॉब्लम एट ऑल यह आपकी तरफ से झूठ नहीं होगा उस टाइम के लिए वो एक कोरेक्ट आंसर होगा ट्राई टू कंट्रोल यूर एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस हमेशा जो झूठ बोला जाता है या कुछ ज्यादा बोल दिया जाता है दो वर्ड की वजह से होता है दो वर्ड क्या है एक्साइटमेंट और नर्वसनेस इन दोनों चीजों को छुपा के रखिए इंटरव्यू के टाइम पे ना तो इतना एक्साइटेड होना है कि आप बहुत कुछ बोल जाओ ये भी हो जाएगा सर वो भी हो जाएगा बहुत ज्यादा नहीं बोलना है ना इतना नर्वस होना है जवाब ही ना दे पाए आपको नर्वस भी फील नहीं करना है आपको ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना इन दोनों चीजों पर आपको कंट्रोल करना है साइंस ऑफ नर्वसनेस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू कौन से साइन होते हैं वो कैसे लगता है टाइम पे वो आदमी नर्वस है Speaking too fast. वो बहुत जल्दी जल्दी बात करेगा सर, सर, मैं ये, भी, ये ये भी भी मतलब उसकी उसकी uh, पसीना आना increased heart rate, उसकी heart beat बढ़ जाएगी फीलिंग टायर्ड लगेगा यार कब नंबर आएगा इंटरव्यू का यार आधे घंटे से बैठा हूँ एक घंटे से बैठा हूँ दिमाग खराब हो चुका है कब मेरा नंबर आने वाला है तो ये सारे साइन किस चीज के हैं आपके नर्वसनेस के हैं और मैं आपको बता दूं ये सारी सारी डिजीज है आप तो इंटरव्यू पे जाने से पहले आप क्या करेंगे आपने आपको नर्वस को कंट्रोल करने के लिए अपनी सांस को अंदर खींचेंगे बाहर छोड़ेंगे बिल्कुल कंट्रोल के साथ जब आप अपनी सांसों को अंदर लेके जा रहे हैं तो थ्री काउंट करेंगे वन टू थ्री छोड़ेंगे One, two, three. इस तरह आप क्या करोगे? जब सांस को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जब आप कर रहे हो थ्री काउंट के साथ आप छोड़ेंगे और लगातार तीन बार इस प्रोसेस को दोहराओगे तो आपकी जो हार्ट रेट होगी हार्ट बीट होगी वो कंट्रोल्ड हो जाती है ये एक मेडिटेशन का तरीका है बच्चों एक साइंटिफिक वे है अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का जो आपके हाथ सेक करते रहते हैं आप बॉडी कापते रहती है किसी को पैर हिलाने की आदत होती है कुछ बच्चों को हाथ हिलाने की आदत होती है कुछ अपने नाखून खाना स्टार्ट कर देते हैं ये क्या है नर्वसनेस की निशानी है तो आप क्या करेंगे आप अपनी मसल्स को थोड़ा टाइट करके बैठिए जब आप अपनी मसल्स को टाइट करके बैठते हैं ना बेटा आप अपने दूसरे पार्ट को शेकिंग या हिला सकते ही नहीं स्वेटिंग आप अपने पास हमेशा अपना हैंकी रखिए रूमाल रखिए उस चीज को हाइड कीजिए अपने पसीने को पहुंच के ही अंदर जाए इंटरव्यू के लिए इंक्रीज हार्ट रेट मैंने कहा हार्ट रेट आपकी कंट्रोल की जा सकती है अगर आप ब्रीथिंग अच्छे से करते हो तो फीलिंग टायर्ड फीलिंग टायर्ड का एक मेन रीजन होता है कि लास्ट नाइट हम पढ़ते ही रहते हैं और देर से सोते हैं तो हमें टायर्डनेस महसूस होती है इंटरव्यू से पहली रात को आप ढंग से नींद लें हाउ टू बिहेव और आंसर इन एन इंटरव्यू Arrived not on time but earlier. केवल टाइम पे ही नहीं पहुंचना उससे पांच मिनट पहले पहुंच जाइए भागा दौड़ी नहीं करनी है जाम लग जाए तो हजार सिचुएशन होती है तो उन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरव्यू से कुछ वक्त पहले पहुंचना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरव्यू के टाइम पे हमेशा इंटरव्यू लेने वाला आपका एटीट्यूड देखता है साइकोलॉजिकली आपको चेक करने के लिए एक पर्सन स्पेशल बैठा होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है पॉजिटिव है नेगेटिव है आपका जिंदगी के लिए नजरिया कैसा है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन है या नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन है आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी जाती है और देखा जाता है कि उन सिचुएशंस में आपका रिस्पांस कैसा होगा क्या आप पॉजिटिव आंसर दे, दे तो क्वेश्चन का जब आप आंसर दे रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंटली आंसर दें बहुत lengthy -lengthy आपको लाइन यूज करने के लिए, लिए जरूरत नहीं है बहुत सिंपलेस्ट वे में आंसर दें लेकिन कॉन्फिडेंटली डू नॉट आर्ग्यू विद द इवन इफ यू थिंक यू आर राइट कभी कभी हमें लगता है कि हमने जो आंसर दिया है वो ठीक दिया है लेकिन इंटरव्यू लेने वाला कहता है नहीं आप गलत हैं आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते आप नहीं करेंगे आप अपने आप को एक पॉजिटिव वे में रख सकते हैं आप पोलाइट वे में आप उसको बता सकते हैं यू कैन कीप योर पॉइंट पोलाइटली बट रिमेंबर डू नॉट साउंड लाइक यू आर राइट आप ये मत बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक ही हैं लेकिन आप अपना पॉइंट पोलाइटली रख सकते हैं डू नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट बोनस इंसेंटिव और अदर बेनिफिट ंटिल यू हैव रिसीव द ऑफर और एटलीस्ट द कंफर्मेशन जब तक भाई ये ना हो जाए कि नौकरी आपकी पक्की है आपको ऑफर लेटर मिल गया है तब तक बोनस इंसेंटिव अदर बेनिफिट इनके बारे में डिस्कशन नहीं करिएगा तो अच्छा अबाउट द कंपनी इवन इफ दे ट्राई टू आस्क यू बाई ट्रिक वो ट्रिक लगाएंगे आपसे पूछेंगे यार कंपनी के बारे में आपने डिस्कस किया होगा बाहर उन्होंने क्या कहा आपको कंपनी कैसी लगी आपको वेबसाइट कैसी लगी इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा तो हमेशा

मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आपके सामने है या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज को ओके डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ओके बाय बाय टेक केयर गुड ब्लेस यू